अगर आप महारत्न कंपनी भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से जुड़ना चाहते हैं वो भी सिर्फ आईटीआई पास करके, तो आपके लिए ना बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि अप्रेंटिस पदों पर जो भर्ती है ना वो शुरू हो गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद का रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और सिर्फ एक एग्जाम देकर आप भेल का हिस्सा बन सकते हैं। सो क्या होने वाली है क्वालिफिकेशन, क्या है वैकेंसी की पूरी डिटेल, कहां पर जाकर अप्लाई करना है और साथ ही आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, चलिए सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, बात हो रही है भेल में अप्रेंटिस की भर्ती के बारे में। देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने आईटीआई पास कर लिया है वो सभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और जो आखिरी तारीख है ना वो 14 जून है। इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म भरें, क्योंकि वेबसाइट पर जो लिंक है ना वो डीएक्टिव हो जाएगा, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बता देती हूँ जिसकी मदद से आपको फॉर्म भरना है। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना अप्रेंटिसशिप की, पहले खुद को वहाँ पर रजिस्टर करना है, उसके बाद भेल पर आकर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जो www.apprenticeshipindia.gov.in है वहाँ पर खुद को आपको रजिस्टर करना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से भेल की वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 14 जून के बाद ना आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत कम टाइम है, आप फटाफट वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए। तो देखिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं ना तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपने 10th पास किया हुआ है और साथ ही आपने आईटीआई पास किया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यानी कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और वो भी साल 2021, 2022, 2023 या फिर 2024 में। 2021 से पहले अगर आपने आईटीआई पास किया है ना तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, यानी कि भेल में फिटर वेल्डर जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोस्ट है ना उसमें आईटीआई पास तो ज़रूरी है बट विद मिनिमम 65% मार्क्स। वहीं जो दूसरे अन्य पोस्ट है ना उसके लिए 60% मार्क्स, बट जो वेल्डर इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोस्ट है ना इसके लिए 65% मार्क्स मिनिमम रखा गया है। अगर आपके आईटीआई में इतने मार्क्स नहीं आए हैं ना तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा या फिर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है ना तो आप वेबसाइट पर जाकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, वो भी बहुत आसान भाषा में, ठीक है। इसके अलावा आपको फॉर्म भरते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए, इससे कम या फिर ज़्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब एक बार आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ये भी याद रखना है कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, अप्रेंटिसशिप की यानी कि ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकली है, आप एग्ज़ाम देकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। एग्ज़ाम जब आप देंगे ना तो आपका एक रिज़ल्ट आएगा पीडीएफ के रूप में, उसके बाद ना फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उस मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट शामिल होंगे उन सभी को अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ रिटन टेस्ट में ही सफल होना काफ़ी नहीं है बल्कि आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा, और जो मेरिट लिस्ट है ना वो बहुत सारे चीज़ों के आधार पर बनाई जाएगी, जैसे कि आपका पासिंग ईयर, जैसे कि आपकी एज, तो आपको इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एज लिमिट की अगर बात हो तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलने वाली है। सो आपको इंतजार नहीं करना है, फटाफट वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर देना है। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी, नोटिफिकेशन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर से आएंगे एक नई वीडियो लेकर जॉब से रिलेटेड, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।